नमस्ते छात्रों, कक्षा छठी की हिंदी तासिका में मैं मिसेस कविता सेंगर आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कहानी उपहार इस कहानी की जानकारी ली थी। पिछले वीडियो में उपहार यह पाठ हुआ है हमारा। आज हम ग्रामर मतलब व्याकरण का विभाग देखने वाले हैं। व्याकरण में हमारा उपघटक है संज्ञा। पिछले व्याकरण में हमने शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी देखी थी। आज हम शब्द भेद मतलब शब्दों के कितने प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेंगे। शब्द का पहला प्रकार है संज्ञा, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। आप ठीक से ध्यान दीजिए। देखिए, घटक है व्याकरण, उपघटक है संज्ञा। सबसे पहली बात, संज्ञा किसे कहते हैं ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको समझाती हूँ संज्ञा की परिभाषा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इन्हें दिया जाने वाला नाम संज्ञा कहलाता है। छात्रों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे प्राणी हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर हमने चीजों को नाम नहीं दिए होते तो हमें चीजों को पहचानना कितना मुश्किल होता, उन्हें रिकॉग्नाइज करना कितना मुश्किल होता। हमने अलग अलग चीजों को नाम दिए, प्राणियों को नाम दिए, वस्तुओं को नाम दिए, व्यक्तियों को नाम दिए, तब जाके उन्हें पहचानना हमारे लिए आसान हो गया। तो इसी प्रकार से जिन जिन चीजों को हमने जो नाम दिया है, व्यक्ति को जो नाम दिया है हमने, वस्तुओं को जो नाम दिया है, प्राणियों को जो नाम दिया है, जगहों को जो नाम दिया है, वही नाम संज्ञा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नाउन। आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आई? संज्ञा का मतलब है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह या चीज को दिया जाने वाला जो नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। यह शब्द का पहला प्रकार है संज्ञा। जैसे हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये आगे देखने वाले हैं, लेकिन शब्द का पहला प्रकार है संज्ञा, जिसकी परिभाषा हम देख चुके हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या चीज को दिया जाने वाला जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकारों के बारे में हम जानकारी देखेंगे। संज्ञा के कुल मिलाकर प्रकार है पांच। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के इन प्रकारों की एक एक करके हम आज जानकारी देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रकार की तरफ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक से ध्यान दीजिए, पहले मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में आप कहते हैं प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा जानिए, किसी भी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु, जैसे भारत मेरा देश है। देश तो बहुत सारे हैं लेकिन भारत नाम का एक ही देश है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। अब नदियां तो बहुत सारी है लेकिन गंगा नाम की एक ही नदी, गंगा यह विशेष नाम है, भारत यह विशेष नाम है। या फिर गांधी जी एक महान नेता थे। अब नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन महात्मा गांधी जैसी व्यक्ति एक ही है जो विशेष है। तो जो विशेष नाम होता है जिसे प्रॉपर नाम कहते हैं, उनके जैसा और कोई नहीं, उन नामों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत, गंगा, सचिन तेंदुलकर। अब इंसान बहुत सारे लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ही है जिसे हम पहचानते हैं, एक विशेष नाम, और किसी का भी वो नाम नहीं होता। या फिर वही एक विशेष व्यक्ति जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको ध्यान में आया? परीक्षा में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में शब्दों को अधोरेखित किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। फिर से एक बार देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष जगह को दिया जाने वाला नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे ताजमहल एक सुंदर वास्तु है। वास्तु है मतलब प्रतिकृतियां तो बहुत सारी लेकिन ताजमहल एक ही है, तो ताजमहल एक विशेष चीज है, इसीलिए ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आपको समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम?